Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Actually, शक्ल से तो नहीं लगता होगा कि I am married, लेकिन बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ. 1 लाख एडवांस. Only 15,000 per month. 1 लाख रुपया? मैंने अब सोचे नहीं, मैंने बच्चे का एडमिशन करवाना है, प्लाट खरीदने के लिए नहीं आया. देखिए मिस्टर, ये भी कोई प्रॉपर्टी ऑफिस नहीं है, स्कूल सिस्टम है. फ्रेंजर स्कूल सिस्टम. अच्छा बैंगन साहब, मेरा मतलब है मैडम साहिबा, आपने गलती से मैट्रिक के बच्चे की फीस बता दी है. अभी तो मेरा बच्चा प्रेप में एडमिशन के लिए आया है. जितनी अच्छी फीस उतना अच्छा रिजल्ट. गाड़ी अपनी है ना? गाड़ी तो नहीं है, बस पैदल ही आया. कोई बात नहीं, हमारे पास तो है ना, मेरा मतलब है बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप स्कूल देता है. चलो अच्छा है, कुछ तो बचत होगी. जी बिल्कुल, 10,000 महाना सिर्फ आपकी सहूलत के लिए. 10,000, 15,000 फीस के अलावा? हाँ, ये 10,000 अलग से, वो भी अभी एडमिशन करवाते हैं, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा. अच्छा जी, कोई और सहूलत जो बैंगन देता हो? किताबें और यूनिफॉर्म. इसके अलावा 15,000 सिर्फ आपकी सहूलत के लिए. मैम, इस महीने की फीस रिपोर्ट जमा होगी. मैम, शो मी. सस्पेंस स्टेटमेंट. यार, इस अमाउंट से तो बिल्कुल खर्चे पूरे नहीं होंगे. नाजली, मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्चों पे फाइन लगाओ, इस अमाउंट का मैं क्या करूं? लेकिन मैडम, अब तो कोई बच्चा लेट आता ही नहीं, सब वक्त के पाबंद हो गए जब से आपने फाइन किया. कोई काम करो, तुम स्कूल की घड़ी को आगे कर दो, इस तरह खर्चे भी बढ़ जाएंगे. अगले महीने मेरे भांजी की शादी है और मुझे खर्चे भी पूरे करने हैं. शादी? मैडम, आप मुझे शादी पे बुलाएंगी ना? अफसोस बुलाऊंगी, लेकिन ये बताओ ना नाजली, बजट कैसे बढ़ेगा, खर्चे कैसे पूरे होंगे? मैडम, 10 तोले का जेवर तो देना ही होगा, आफ्टर ऑल भांजी की शादी है. मैं समझ सकती हूँ. हाँ, कपड़े, ज्वेलरी, खाना पीना, कॉफी टी वगैरह, ये सब पूरा तो करना है ना? मैडम, अपना वही पुराना फॉर्मूला काम आएगा. फॉर्मूला? फॉर्मूला मैडम, वही हमारा पुराना फॉर्मूला. स्कूल में एक इवेंट रखवा देते हैं, हर एक बच्चा 1,000 रुपया. वाह नाजली, यू आर अ जीनियस. तुम एक काम करो, तुम लेटर टाइप करवाओ, मैं साइन करूंगी, तुम नोटिस बोर्ड पे चिपका देना. तो मैं क्या कह रही थी, हम कहाँ थे? आप स्कूल में थी और मैं औकात से बाहर. हमारे स्कूल में लंच डिस्काउंट भी देते हैं, इसलिए आप बच्चे को लंच ना दीजिएगा. जस्ट 12,000 ओनली. मेरा मतलब है कि स्कूल में कुछ खाने की सहूलत मिलती हो. एक्चुअली मेरे बच्चे को घर के खाने की आदत है, अगर उसका पेट खराब हो गया तो स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम होगी. आई मीन के मोशन वगैरह. आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इस काम के लिए हमने स्कूल में आया रखी हुई है, इसी वजह से तो स्कूल का नाम बैंगन स्कूल है. आया इस काम के पैसे लेती है या दुआएं? दुआएं समझ लीजिए, इतनी सस्ती आया, सिर्फ 5,000 रुपया महाना. यानी के बच्चे को लाएंगे भी आप? जी. किताबें यूनिफॉर्म भी आप ही देंगे? आपकी सहूलत के लिए. पोटी भी आप ही साफ करेंगे? जी.
मैं नहीं आया। सॉरी, यानी कि मुझे सिर्फ नकद रकम देनी होगी? जी, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। ब्यूटीफुल बल्कि एक्सीलेंट, क्या बात है बैंगन की। तो फिर चलें। कहाँ चले? मेरे घर। क्यों? जब सब कुछ आपने ही देना है तो फिर बच्चा भी आप ही दे दे मेरी सहूलत के लिए। ओह नो, ओह यू शिट।